हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज कर सकती है और क्या क्या उसके साथ ड्रॉबैक है, क्या वो होलिस्टिक एजुकेशन को आगे लेके जाएगी, क्या वो होलिस्टिक एजुकेशन को आगे लेके नहीं जाएगी, क्या स्टूडेंट सेंट्रिक होगी वो या नहीं होगी, क्या टीचर सेंट्रिक वो है या नहीं है, तो क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, वो सारे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, एनईपी 2020। एक्चुअली कुछ स्टेट्स में इसको अप्लाई कर दिया गया है, बट अभी कुछ स्टेट्स में अप्लाई नहीं हुआ है। होपफुली इस सेशन से, मीन्स 22 से, उत्तर प्रदेश में योगी जी इस चीज को अप्लाई कर देंगे, बट कुछ स्टेट्स में एनईपी स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ एनईपी 2020। अब एनईपी की नीड क्या है, देखिए, द फेमस स्टेटमेंट ऑफ नेल्सन मंडेला इज डिस्प्ले एट द एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 जो नेल्सन मंडेला है वो अपने एक बड़े फेमस, उनका अपना स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डिस्ट्रॉइंग ए नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, इफ ओनली रिक्वायर लॉवरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स। अगर आप किसी देश को नीचा करना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वार कीजिए, उसके एजुकेशन सिस्टम को इतना बेकार कर दीजिए कि वो देश ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। मीन्स किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसी को देख के एनईपी 2020 को लाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज एजुकेशन पॉलिसी मीन। अब एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है, एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या, जैसे सपोज कीजिए एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसके पास एक लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान क्या करता है, उसको डाइवर्ट नहीं होने देता, जो भी कंटेंट उसका है, जिस कंटेंट को वो क्लास में पढ़ाना चाहता है, बड़े इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं होगा। उसको पता है कि व्हाट इज द कंटेंट आई विल टीच इन द क्लास, पूरे पीरियड में मेरे को क्या कंटेंट पढ़ाना है, मेरे पास वो मेरे लेसन प्लान में है। तो व्हाट डज एजुकेशन पॉलिसी मीन, एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एजुकेशन पॉलिसी रिफर टू द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है, वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आता है। दूसरा है, व्हाट इज इट इंपॉर्टेंस टू स्टडी एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब क्यों हम इसके बारे में बात करें, क्यों हम इसको पढ़ें। देखिए, इसको अप्लाई होने से पहले, अगर कोई भी स्टेट इसको अप्लाई कर रहा है या कर चुका है, तो उसके बारे में हमें इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। चलिए, पॉलिसी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प स्कूल कॉलेज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड प्रोसेस एंड क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर लर्निंग एंड सेफ्टी एज वेल एज एक्सपेक्टेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों जरूरी है एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो स्कूल और कॉलेजेस के लिए कुछ रूल्स को एस्टेब्लिश करे, एक स्टैंडर्ड बनाए, जो भी हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो, हम क्वालिटी एजुकेशन दें, हमारी जो टीचिंग हो वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, ना कि टीचर सेंट्रिक हो। और देखिए, हर एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से कि उसका बच्चा उस संस्था के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए कैसा कर रहा है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से अकाउंटेबिलिटी को भी डिफाइन करता है कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। देखिए, विदाउट एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वुड लैक द स्ट्रक्चर एंड अनेबल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एजुकेशन पॉलिसी के बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिसी इन एजुकेशन, पॉलिसी का क्या रोल होता है एजुकेशन में। पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन स्कूल कॉलेज टू एस्टेब्लिश रूल एंड प्रोसेस इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड इंश्योर एवरीवन इज कनेक्टेड। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स के अपने अलग कैरिकुलम होते हैं,
कुछ स्कूल्स वाले क्या करते हैं कि जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज की बुक्स होती हैं, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है, उसके कंटेंट को इकट्ठा करके अपना कैरिकुलम बनाते हैं। वो अपने कैरिकुलम को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड हो जाए। तो सेम जो है पॉलिसी का भी यही है कि पॉलिसी क्या करता है कि स्कूल और कॉलेज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह से फॉलो करे जिससे हमारा एक प्रॉपर आउटकम आए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम चीजों को लर्न कर सकें। तो ऐसे ही कुछ रूल्स को एजुकेशन पॉलिसी में बनाया जाता है। एक्चुअली पॉलिसी है क्या? पॉलिसी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। पॉलिसी क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हमें फॉलो करना है। और मेन क्या है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसी एक के लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए सेम होंगे। उससे क्या होगा कि एक बड़ा ही ऑटोनोमियस स्टैंडर्ड्स क्रिएट होगा जिससे हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आएगा, एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखिए, स्कूल कॉलेज क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर लर्निंग एंड सेफ्टी एज वेल एज एक्सपेक्टेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉलेज हो या स्कूल हो, उसको अपने एक स्टैंडर्ड को क्रिएट कर सकता है, क्वालिटी को क्रिएट कर सकता है जिससे जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर सकें और वो अपने आप में अकाउंटेबल हो जाए। व्हाट आर द फीचर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी? एजुकेशन पॉलिसी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं एनईपी 2020 का क्या है, तो उसको हम जानेंगे टेंजिबिलिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में हमारी टेंजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी है कंसिस्टेंसी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो हमारी एनईपी 2020 में है। प्रायोरिटी बेसिस पे भी हमें करना चाहिए कि हम किस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हैं। मीन्स हमारी जो प्रायोरिटी है वो होती है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या? अकाउंटेबिलिटी एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। देखिए एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसने अपने स्टैंडर्ड को बदला, इसने 10+2 को बदला है। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारे पास 10+2। 10+2 में क्या है? 10+2 में हमारे पास ये है जिसमें हमारी प्राइमरी क्लासेस, मिडिल क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस आ जाती है और उसके बाद हमारे पास सीनियर सेकेंडरी क्लासेस आती हैं। तो यानी कि ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे चाइल्डहुड केयर को भी सपोर्ट करती है। टू नोटेबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अब उसको पढ़ते हैं। पहला क्या है? टुडे एजुकेशन फेल्स टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट उसके अंदर जो है वो मॉरल वैल्यूज नहीं है, वो हम उसको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा कहीं ना कहीं इस चीज में फेल होता है। दूसरा क्या है? With increase in literacy level, there is decline in human value in the society. कहीं ना कहीं पे हमारा literacy level जो है वो increase तो हो रहा है, but जो हमारी values हैं, जो हम मानेंगे human values, वो society में कहीं ना कहीं decline हो रही है। Means जो human का behavior है या उसका जो attitude है वो कहीं ना कहीं दूसरे human के लिए positive नहीं है। Hence call for transformation in education system. इसी वजह से सिर्फ हमने अपने education system को change किया और NEP 2020 पे आए। देखिए Union Cabinet in July 2020 approved the new education policy NEP which aims and universalization of education from preschools to senior to secondary level. अब इन्होंने ये जो education policy लेके आए हैं इसमें preschool और secondary school means इन्होंने सबको include किया है। इन्होंने क्या किया है? सबको इंक्लूड किया है, प्री स्कूल्स को भी लिया है जिसको हम प्री प्राइमरी सेक्शंस बोलते हैं, कहीं पे किंडर गार्डन इसको बोला जाता है, और सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, कॉलेज लेवल, इसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, डिफिकल्टीज इन स्ट्रक्चरिंग ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम चाहें कि हम अपने देश में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लेके आए तो इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। मैंने ये स्लाइड इसलिए इसमें इंक्लूड की कि मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने देश में या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए डॉक्टर सैम पित्रोदा को आप जानते होंगे, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर हम उनका अपना एक ओपिनियन है, वो क्या कहते थे जब उन्होंने एक एजुकेशन समिट में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो ये उनके ओपिनियन थे, उनकी स्पीच का ये कुछ पार्ट है क्या कि 19th सेंचुरी जो है वो माइंडसेट कर रही है, 20th सेंचुरी जो है प्रोसेस की है, बट 21st सेंचुरी जो है वो नीड है। मींस
वो कह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार करने की जरूरत है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी एंड नॉट वेल डिफाइंड रोल ऑफ फैकल्टी, हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है और उनके अगर हैं भी तो हमारे उनके रोल डिफाइन नहीं है। अगर हम कुछ स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो उनके पास ऐसे ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे ऐसे काम होते हैं कि वो टीचिंग में नहीं होते, मीन्स अकेडमिक में उसका फोकस नहीं होता हमारे टीचर्स का, नॉन अकेडमिक में फोकस होता है, जिससे जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है या रिजल्ट नहीं आ पाता। कैप्चरिंग ग्लोबल टैलेंट, हम कहीं ना कहीं पे अपने ग्लोबल टैलेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर मोर सो इन प्राइवेट मैनेजमेंट, मीन्स कहीं ना कहीं पे जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने से डरते हैं। मीन्स हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है कि बच्चा अपने आप आके पार्टिसिपेट करे। मीन्स हम पढ़ा तो देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं होती, वो थियोरेटिकल नॉलेज हम उसको पूरी भर देते हैं बट उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। मीन्स वो डरता है, वो किसी चीज में पार्टिसिपेट होने से भी डरता है। मीन्स ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं डेवलप हो पा रहा। देखिए, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। देखिए, कहीं ना कहीं पे हमारी गवर्नमेंट को इस चीज का इनिशिएटिव लेना होगा। जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट एनईपी 2020 लेके आई है, इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि हमें और क्लियर होना पड़ेगा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्लियर होना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सोचना होगा। मीन्स उनको अपने लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो एक जो है नॉट फॉर प्रॉफिट टैग जो है, यानी कि नॉन प्रॉफिट, ये टैग लगा हुआ है एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसमें भी जो है प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एजुकेशन में पीछे हैं या गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन में पीछे हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि जो टीच कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि वो अपने कंटेंट को कैसा डिलीवर कर रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है उनका कंटेंट को डिलीवर करने का। देखिए, अगर मेरे 95% मार्क्स लेके आया हूं मैं 10th और 12th में, तो मेरे को नॉलेज हो सकती है, मेरे को बहुत वास्ट नॉलेज हो सकती है, बट मैं एक अच्छा टीचर बनूं या फिर मैं अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर पाऊं, ये नेसेसरी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हैंस द नीड फॉर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है उसके बारे में जानेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड विजन एन इंडिया सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग आवर नेशन सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। एनईपी का सिर्फ और सिर्फ मोटा सा विजन ये है कि ये चाहता है यानी कि एनईपी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपने बच्चे को, मीन्स अपने अपने पूरी कंट्री के सारे बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराएं। मीन्स जो भी बैरियर उसके एजुकेशन में आते हैं, चाहे वो उसका इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस ना हो, चाहे वो किसी और चीज को लेके वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनईपी को लाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए अगर बात करें जो 1986 में आई थी, ऐसे नहीं थी कि वो एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कमियां नहीं थी। उसमें भी क्या था, अगर हम बात करें तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अब उनके बिहेवियर के ऊपर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर के ऊपर और जो उनके फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, और चूंकि 1986 में थी तो जनसंख्या को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए ये प्रावधान रखा गया कि मैक्सिमम जो है ना निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, कि जितना ज्यादा बच्चे को हम मतलब एजुकेशन में जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर लें बच्चे का उतना ही बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्या है। अब जुलाई 2020 में एनईपी 2020 आई, जिसको उसमें क्या था, एक्सेस इक्विटी थी। अब इसमें क्या है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया गया है।
नाउ द नेक्स्ट आगे देखिए, एनईपी 2020 क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है, जिसमें डिजाइन एंड विजन है हमारे पास, अपना एक फ्रेमवर्क है। अब ये दो जगह डिवाइड किया गया, स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। अब देखिए हाइलाइट्स क्या है एनईपी की, जो अब एनईपी की जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए द न्यू पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, मीन्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम में आ जाएं। 2035 तक गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारा जो GER है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो हमारा 100% हो जाए, मीन्स कोई भी बच्चा जो एजुकेशन से ना बचे। नेक्स्ट देखिए, एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 crores आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन बैक इन टू द मेन स्ट्रीम। एनईपी ये चाहती है, या एनईपी के थ्रू गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मेरे 2 crore स्टूडेंट जो हैं वो हट चुके हैं एजुकेशन सिस्टम से, उनको वापस लेके आया जाए। मीन्स गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्किल एजुकेशन पे भी फोकस किया जाए। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे उसने 10th और 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे स्किल्स प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है, जिससे क्या है कि बच्चा जो है एक स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर काम करे, उसको डेवलप करे, एक स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर बच्चा काम करे, उसको डेवलप करे, उसमें हर तरह से बच्चे को बेनिफिट होगा, हर तरह से वो अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। आप देखिए, जैसे मैंने आपसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल कैरिकुलम टू बी रिप्लेस बाय 5+3+3+4 कैरिकुलम स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू एज 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है, 10+2 को रिप्लेस किया गया 5+3+3+4। 5+3 में आता है आपका नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकेंड, फिर आता है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ आता है 6, 7, 8, फिर आता है 9, 10, 11, 12। यानी कि इन्होंने क्या किया, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को इस तरह से ही रखा गया, जिससे जैसे हमारे CBSE स्कूल में यूज किया जाता है। मीन्स 10+2 को एक तरफ रखा, अब इन्होंने क्या किया 5+3+3+4 को लेके आए हैं, और इनका अपना अलग एज क्राइटेरिया है। आप देखते हैं आगे, इट विल इंक्लूड 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर ऑफ आंगनबाड़ी एंड प्री स्कूलिंग, जिसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ये 3 साल मीन्स नर्सरी, LKG, UKG में चाहते हैं कि बच्चा जो है वो 3 साल प्री स्कूलिंग को में आए, प्री स्कूलिंग में आए, जिससे बच्चा जो है कि वो उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होके आए। जैसे कि उसमें लिखा था ना कि ड्रॉबैक की हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ओपिनियन है कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, तो मेन रीजन इसका ये है कि एजुकेशन में बच्चा बहुत लेट आ रहा था। 5 साल का, 6 साल का बच्चा अगर एजुकेशन में आएगा तो उतना मैच्योर हो जाता है, ताकि उस टाइम उसको सीखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि 3 साल का जो है प्री स्कूलिंग कोर्स हो बच्चे के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रीइन्वेंटिंग द स्कूल एजुकेशन, देखिए ये कह रहा है कि 3 to 5 एज, 8 to 11 एज, 11 to 14 एंड एज 14 to 18। अब देखिए रीइन्वेंटिंग द स्कूल एजुकेशन एनईपी क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, प्रेजेंट सिस्टम क्या है 10+2, अब क्या है 5+3+3+4, जिसमें हमारी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इंक्लूड किया गया है। अब देखिए एनईपी जो होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका कहीं ना कहीं फोकस जो है वो होलिस्टिक एजुकेशन पे बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, अगर आप एनईपी को पढ़ते हैं, आप किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो उसमें ये होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर फोकस बहुत किया गया। अब देखिए होलिस्टिक एजुकेशन में क्या, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट भी है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है, कैरेक्टर फॉर्मेशन भी है, हेल्थी सोशल स्किल्स भी है, मैनर्स भी है, हैंड ऑन लेसन, मीन्स वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, एनईपी ये चाहती है कि बच्चे का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक में अच्छा हो, बाकी में अच्छा ना कर पाए। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि बच्चे का जो है वो होलिस्टिक एजुकेशन मिले। होलिस्टिक एजुकेशन से क्या है कि बच्चा जो होगा वो ओवरऑल डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा, मीन्स वो सीखे तो सारी चीजें सीखे। अगर वो सीखे तो सारी चीज, ऐसा नहीं है कि उसमें मैनर्स नहीं है, उसमें मैनर भी होने चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए, मीन्स उसमें जो होना चाहिए वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी विल डेवलप NCPEFCEE नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें
तो ये जो हमारे पास एनसीईआरटी है, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है? इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए, एक ऐसा कैरिकुलम बनाए जो हमारे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन पे फुल फोकस करे, जिसकी एज मतलब चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 मीन्स 8 इयर्स का बच्चा हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है एनसीईआरटी से कि वो कुछ ऐसा डेवलप करे, कुछ ऐसा डेवलप करे कि जो बच्चा जो है वो होलिस्टिक एजुकेशन की कैटेगरी में आई मीन्स उसको ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अच्छा, एक और क्या चाहता है गवर्नमेंट, ये चाहती है कि ए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। अब इसमें क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना ज्योग्राफिकल कंडीशन वो भी अलग है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी में बच्चे को सारे कंटेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाएं और उसकी मदर लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएं, ठीक है, जिस लैंग्वेज में जो उसकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग लैंग्वेज है ना, उसमें उसको सारा कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाए। देखिए ये हम ड्रॉबैक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, अगर बच्चा जो है कहीं ना कहीं इसमें इंग्लिश से पीछे चला जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चा इसमें क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज से पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो फोकस करेगा अपनी मदर लैंग्वेज के ऊपर, तो हमें इस चीज पे भी देखना होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल स्टूडेंट विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3 to 5 एंड 8 विल बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब देखिए इसमें एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि 3 अगर स्टूडेंट्स ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8 विल बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि 3 क्लास 3rd, 5th एंड 8th के जो हैं वो जो एग्जामिनेशन है वो जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके थ्रू होंगे। जैसे अगर बात करें हम हरियाणा में बात करें या राजस्थान में बात करें, तो वहां पर 8th क्लास जो था वो बोर्ड क्लास होने की बात कही गई थी, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि 3 क्लास 3rd, 5th एंड 8th इनके जो एग्जामिनेशन हो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हो। बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड एंड 10th एंड 12th विल बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि जैसा भी कहा गया था कि बोर्ड की जो एग्जाम है वो बोर्ड की जो एग्जाम है 10th एंड 12th के वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, बोर्ड के जो एग्जाम है 10 प्लस 2 के वो कंटिन्यू ही होंगे, बस कहीं ना कहीं उसको रिडिजाइन किया जाएगा कैरिकुलम को और उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो देखिए अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका जो एनुअल बजट है वो हमारी बहुत सारी मतलब बहुत सारी क्या सारी यूनिवर्सिटीज को ले लें, IITs को लें, IITs को ले लें, IIM को ले लें, तो अगर हम सबको भी इंक्लूड कर दें तो उनका जो एनुअल बजट है एजुकेशन का उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का वो हमसे कहीं पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें सोचना होगा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत 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 सुधार करने की जरूरत है, जिससे हम एक अच्छे अकेडमियन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी प्रोड्यूस करें। एडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एडवांटेज के अगर उनकी बात करें, द गवर्नमेंट एम्स टू मेक स्कूलिंग अवेलेबल टू एवरीवन विद द हेल्प ऑफ एनईपी 2020। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर एक बच्चे के लिए स्कूल हो, ये 2020 का मेन एम है। दूसरा, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कम बैक इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू द न्यू अप्रोच। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो जिसमें होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर फोकस है, जहां पर स्किल एजुकेशन के ऊपर फोकस है, तो जो हमारे 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे न्यू मतलब इस वाली स्ट्रीम में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, तो वापस गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो एजुकेशन सिस्टम में है। तीसरा क्या है, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी डिजाइन एंड डेवलप बाय द एनसीईआरटी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि अगर बच्चा 8 मतलब टोटल उसकी एज 8 है, तो उसके लिए एक ऐसा कैरिकुलम डेवलप करे जिससे उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें वो सारी क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, एनालिटिकल थिंकिंग भी हो, मतलब जैसे हमने सीसी में पढ़ा था ना, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल, तो वो सारी चीजों को बोर्ड ये चाहता है कि मतलब सारी चीजों को इन्वॉल्व किया जाए, तो ऐसा ही कैरिकुलम बनाने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द मेरिट ऑफ एनईपी 2020 इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इंडिया। और एक और जिम्मेदारी मिली है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को इंडिया में अप्लाई किया जाए, मीन्स बच्चे को सारा कंटेंट उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाए। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज विल कंडक्ट द स्कूल एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8।
मीन्स जो भी हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो थर्ड फाइव और एट्थ के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए, 10+2 के एग्जामिनेशन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, बस उसको रीडिजाइन किया जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट में लाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, द न्यू प्लान फोकसिंग ऑन सेटिंग अप अ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप इज ऑल्सो फोकस्ड लिस्ट। मीन्स अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा भी प्लान बनाया है जिसमें जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो फंड अवेलेबल होगा। इसमें क्या होगा कि अलग अलग मतलब रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन डिवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका फोकस जो होगा वो हमारा स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर होगा जो एक अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखिए, स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। अच्छा, एक और वर्ड है बाल भवन। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि डे टाइम बोर्डिंग स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किए जाए जिसका नाम बाल भवन हो, वो स्टेट लेवल पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो। दिस बोर्डिंग स्कूल विल बी यूज फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्ले एंड कैरियर। मीन्स उसमें हमारी जो है एकेडमिक्स से रिलेटेड को एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि बच्चे का, देखिए बात वही है कि बोर्ड गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बच्चे का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें उसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, एकेडमिक्स भी होगा, ठीक है, उसके करियर के बारे में भी उससे बातें की जाएंगी। देखिए, बाय 2022 इन कंसल्टेशंस विद द टीचर एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल डेवलप ए कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। अच्छा, एनसीईआरटी को एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, मीन्स टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके टीचिंग करने लगे, तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड क्रिएट करना, चाहे वो एग्जामिनेशन के थ्रू स्टैंडर्ड क्रिएट कराए, चाहे वो कि कोई और पॉलिसी को लेके आए, पर ये जो है ये मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक अपना स्टैंडर्ड क्रिएट करें। नेक्स्ट क्या है, SSSA और इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूलिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी विल बी सेट अप बाय द स्टेट यूटी। मीन्स जो स्टेट है वो हमारा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को भी सेट करे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एन एकेडमिक बैंक ऑफ द क्रेडिट विल बी एस्टेब्लिश। अब इसमें ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो क्रेडिट स्कोर को लेके आ रही है, ठीक है, कि जब बच्चा किसी डिग्री को करता है, किसी कोर्स को करेगा, तो उसके ना क्रेडिट जो है उसके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। मीन उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। द क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर्ड एंड व्हेन द फाइनल डिग्री गेट्स कंप्लीटेड दैट कैन बी काउंटेड, दोस कैन बी काउंटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो है वो क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, मीन्स कुछ पॉइंट्स उसको मिलेंगे, और जब वो फाइनल में अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा तो वो काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होती है, देखिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ये होती है, अगर मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं मैंने साइंस को इंक्लूड किया। आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फैक्चुअल पैसेज देता हूँ इंग्लिश में या डिस्कर्सिव पैसेज देता है, तो डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज होगा मेरा साइंस से रिलेटेड होगा, यानी कि मैंने इंग्लिश में जो है अपने साइंस को कॉल कराया। मीन जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कॉल कराते हैं, एक सब्जेक्ट में से दूसरे सब्जेक्ट को कॉल कराते हैं, तो मल्टीडिसिप्लिनरी कहलाता है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज एट पर विद द IIT एंड IIM विल बी द सेटअप इन द कंट्री। दीज आर शेड्यूल्ड टू बी सेटअप फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक्स। ये सारी जिम्मेदारी जो है IIT और IIM के साथ मिलके है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करने जा रही है कि जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी हो। देखिए, एक एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकता, एक इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकता, इसमें IITs को भी आगे आना होगा, NIT को भी आगे आना होगा, IIM को भी आगे आना होगा, और जो हमारे बहुत ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं उनको भी आगे आना होगा, उनको सारी चीज़ों को मिला के ही हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। The same list of accreditations and regulations rules will be used for guiding both the public and private academic bodies. अब ऐसा नहीं है कि ये जो भी rules and regulation बनाए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ public यानी कि जो है हमारे government schools के ऊपर apply होगा, ये जो rules and regulation होंगे या जो policy होगी ये private, public और government सभी के लिए applicable होगी। Phased out college affiliation and autonomy will be granted to colleges, यानी कि college के affiliation के लिए और या फिर उसको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है एफिलेशन के अलावा, उसको कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी अलग से बॉडी को बनाया जाएगा। मीन्स उसकी पॉलिसी जो होंगी वो
अलग होंगी। बाय देयर ईयर 2030 इट विल बी द मैंडेट टू हैव एटलीस्ट अ 4 ईयर बीएड डिग्री फॉर ज्वाइनिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ टीचिंग। और ऐसा भी अगर 2030 तक गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि 4 ईयर बीएड डिग्री होगी अगर आप टीचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर मेकिंग द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पैंडमिक सिचुएशन ऑनलाइन अकेडमिक विल बी प्रमोशन ऑन लार्जर स्केल। जो पैंडमिक सिचुएशन अब हमारे सामने आई है, ये पैंडमिक सिचुएशन फ्यूचर में अगर हमारे सामने आए तो हम अपने आप में इस तरह से कैपेबल हो जाएं, अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें कि हमें फेस ना करना पड़े। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि एक हाई लेवल पर इस चीज को डेवलप किया जाएगा। अब देखिए, अगर किसी के एडवांटेज है तो उसके ड्रॉबैक भी होंगे। ड्रॉबैक को अगर हम पढ़ते हैं तो पहला ड्रॉबैक क्या है, देखिए पहला ड्रॉबैक ये है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लैंग्वेज इज अ नेगेटिव फैक्टर एज देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन इंडिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स रेशियो की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में ये बहुत कम है, जो पेरेंट्स है वो पब्लिक स्कूल की तरफ भाग रहा है। दस इंट्रोड्यूसिंग मदर लैंग्वेज फॉर ईच सब्जेक्ट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज अ प्रॉब्लम। अब चूंकि एनईपी क्या कहती है कि हर एक बच्चे को, अगर बुक पॉलिसी की बात करें तो उसमें क्या, हर एक बच्चे को उसकी मदर लैंग्वेज में सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चा जो है ना कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत दूर जाने वाला है। दूसरा क्या है, समटाइम फाइंडिंग ए कॉम्पिटेंट टीचर बिकेम ए प्रॉब्लम। अब कहीं ना कहीं पे अगर हमारे पास एक इफेक्टिव टीचर है, अगर एक इफेक्टिव टीचर है तो वो भी कहीं ना कहीं पे जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि उस मदर लैंग्वेज को सीखना, उस मदर लैंग्वेज को सीखना जहां पर वो है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर सपोज कीजिए उसकी इंग्लिश में कमांड है और उसको तमिल सीखनी है, तो सबसे पहले वो तमिल सीखे, क्योंकि बच्चे को ना सारा कंटेंट तमिल में डिलीवर कराना है। ठीक है, दैट इज ब्रिंगिंग स्टडी मटेरियल इन मदर लैंग्वेज। यही चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बच्चे को जो है वो कंटेंट जो है वो मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट्स विलिंग्स टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन लेवल हैव टू स्टडी फॉर 4 ईयर्स व्हाइल वन कैन इजिली कंप्लीट हिज और हर डिप्लोमा डिग्री इन 2 ईयर। देखिए, अगर बच्चे को ग्रेजुएशन पूरा करना है तो वो क्या करता है, 4 ईयर में कंप्लीट करेगा। और दूसरे अगर बिहार पे बात करें, अगर बच्चे को डिप्लोमा कंप्लीट करना है तो वो 2 ईयर्स में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो एजुकेशन को बीच में ही छोड़ सकता है, ये भी एक डर बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स विल बी इंट्रोड्यूस विद इंग्लिश एट अ मच इजियर एज देन द स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि प्राइवेट स्कूल में जो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्री प्राइमरी लेवल से पढ़ाया जाता है। और चूंकि अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल में, तो कहीं ना कहीं सिक्स स्टैंडर्ड में आके थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। चूंकि CBSE जो है थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराती है, और गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं बच्चा एज ए लैंग्वेज जो है वो 6 में पढ़ना स्टार्ट करता है। तो हमें इस चीज को भी देखना होगा कि बच्चा जहां पर गवर्नमेंट स्कूल में बहुत पहले सीख देता है गवर्नमेंट स्कूल में, उस एज ए लैंग्वेज उसको बहुत बाद से सीखता है। द एकेडमिक सिलेबस विल बी टॉट इन द रेस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। देखिए, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है कि एकेडमिक का सारा सिलेबस जो है बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। देयर इज वन ऑफ द मेजर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्रॉबैक एज दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एंड widening the gap between sections and of the societies. देखिए, कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी रहेगा कि बच्चा जो है ना वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो उसकी मदर लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इस वजह से क्या है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कंक्लूजन क्या है कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है जब हम उसको लेके आते हैं तो ऐसा नहीं है उसमें ड्रॉबैक नहीं होता, ड्रॉबैक होता। अब हमें उसे ही ड्रॉबैक को हमें खत्म करना है ताकि हम एक कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट जरूर करेगी इस ड्रॉबैक को। जितने भी ड्रॉबैक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उन ड्रॉबैक्स को हमारी गवर्नमेंट जरूर रिमूव करेगी, जिससे क्या होगा, एक हम परफेक्ट एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे बच्चे का ना ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर बात करें, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी कहती है कि हम कहीं ना कहीं एमफिल को डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जैसे कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि हम एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी हैं, अब इसमें मेरिट्स भी है, बच्चा जो मतलब मेरिट्स मींस क्रेडिट स्कोर भी है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास मेरिट बहुत ज़्यादा आएंगी नंबर्स में। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे तो हमें इसमें बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ठीक है, ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।